हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, फिलहाल इस वक्त हम हॉस्टल से निकल के बाहर आ चुके हैं। तो अभी क्या है कि हॉस्टल से लगभग सिटी से एक डेढ़ घंटा हो चुका है सिटी से आते हुए, का समथिंग तीन चार किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। अभी एक किलोमीटर और है हाईवे के लिए, तो अभी चलते हैं हाईवे के उधर। सामने हाईवे है, तो वहाँ से हम हिच हाइकिंग करके अभी आपको हिच हाइकिंग करके जोधपुर टू जैसलमेर दिखाएंगे। तो एक किलोमीटर और है, वहाँ से हम हिच हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। कि हमारी पहली लिफ्ट मिल चुकी है, एक डेपो में मिली है यहाँ पर। ये 7 किलोमीटर जा रहे हैं आगे की तरफ, ये कुछ सब्जियाँ ले जा रहे हैं, गाँव होगा शायद वहाँ पर दुकान के लिए। तो ये 7 किलोमीटर की पहली लिफ्ट मिल चुकी है। मैं पीछे बैठा हूँ, तो मेरे साथ जो सागर भाई आए हैं वो आगे बैठे हैं। मेरा ये दूसरा एक लिफ्ट है, तो उनका पहला है, तो इसलिए मैंने उसको आगे बैठा दिया। तो अभी इस टेबल से हमें हिच हाइकिंग करके इस होटल पर पहुँच चुके हैं। होटल का नाम चौधरी भोजनालय है। तो इतने रात चुके हैं, तो ये जोधपुर से समथिंग 30 किलोमीटर इधर आ चुके हैं। यहाँ से जैसलमेर समथिंग 260 किलोमीटर और है। तो हम ट्राई करेंगे अभी छोटी गाड़ी लेने से लिफ्ट लेने की, क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो छोटी गाड़ी में लिफ्ट लेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, शाम तक साइड तक हम पहुंच ही जाएंगे जैसलमेर। वो चलेगा। तो अभी हमारे को दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है। ये है प्रेम सिंह जी, इन्होंने हमारे को दूसरी लिफ्ट दे दी है। वहाँ हमने होटल पर रुके थे, समथिंग एक चाय पी थी इन्होंने, भैया ने चाय पी थी। हम जैसे निकले तो पहले एक गाड़ी थी, दूसरी लिफ्ट उनकी गाड़ी आई थी, तो हमने लिफ्ट लिया तो उसने रोक दिया है। तो ये भैया अभी हमको 15 किलोमीटर की लिफ्ट दी है, तो हम 15 किलोमीटर आगे जाएंगे। यहाँ पर पोखरण यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, देखते हैं दोपहर के 12 बजे तक हम पोखरण पहुँच जाएंगे। तो जैसलमेर पहुँचने में थोड़ी आसानी होगी। इन प्रेम सिंह जी के साथ इतनी दूर आ चुके हैं यहाँ पर, ये 10 मिनट उनका काम है। तो ये रहा हमारा ट्रक जहाँ से हम लिफ्ट लेकर आए हैं, तो ये 5-10 मिनट का रुक वेट किया, तो ये आगे 10 किलोमीटर और छोड़ेंगे आगे तक। तो अभी प्रेम सिंह जी चले गए इधर। प्रेम सिंह जी ने हमारे को समथिंग 50 किलोमीटर लिफ्ट दी है, तो ये दूसरी लिफ्ट थी 50 किलोमीटर। तो उन्होंने एक गांव में, हाईवे है लेकिन इधर शायद उधर पास में ही कहीं पर खाली करने गए हैं। अभी हम थोड़ा देर इधर बैठ के लंच किया है इन भाई साहब के साथ, सागर भाई के साथ। तो अभी लंच तो हो गया है, और हमारे लंच के साथ ये एक डॉगी भाई था। तो अभी चलते हैं लिफ्ट लेके आगे। तो दोस्तों, फिलहाल हम ट्रैक्टर पर सवारी कर रहे हैं। तो इसका कार ट्रैक्टर का ग्रुप है, वो ये ट्रैक्टर जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं, जैसलमेर में जाएंगे। एक दो आगे हैं और एक एक पीछे आ रहा है वो ट्रैक्टर। तो भैया सीधा डायरेक्ट जैसलमेर भी जा रहे हैं, तो सोचे हम भी जैसलमेर ही चले जाएँ। देखते मैं और सागर भाई बहुत खुश हो गए, अभी भी नाश्ता किया था, नाश्ता करके जस्ट तुरंत 2 मिनट के अंदर ही लिफ्ट मिल गई। कि अभी हमने ट्रैक्टर में लिफ्ट ली थी, वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे आकर इधर ये अच्छी लोकेशन मिली, यहाँ पर हम उतर गए हैं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा, पवन पंखा, क्योंकि किसी का पंखा तो चल रहा है, किसी का एक जगह इस तरह है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि एक बार हम यहाँ से ड्रोन उड़ा लेते हैं, ये अच्छी जगह है यहाँ पर, तो शायद आपको अगले शॉट ड्रोन के भी होंगे।
तो अभी इधर जोधपुर से हम सीधे आए थे, वो उस गाड़ी वाले इधर उतार दिया, वो इधर सामने जा रहा था, तो इधर सामने पोखरण में जैसलमेर है, तो हम अभी इधर चलते हैं। भैया सीधा उधर बीकानेर की तरफ निकलते हैं, तो उधर चले गए, लेकिन अभी जैसलमेर जाना है तो इस तरफ चलना है अपन को, तो वो गाड़ी जा रही है उधर जैसलमेर है, तो हम इस तरफ चलते हैं, अभी लिफ्ट लेंगे, शायद बहुत जल्दी लिफ्ट मिल जाए। अभी टाइम हो चुका है, अभी मैं बताता हूँ आपको कितना समय हो चुका है, अभी 4 बज चुके हैं शाम के, और अपन को जो जैसलमेर पहुँचना है शाम, तो शायद तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से जैसलमेर समथिंग 150 किलोमीटर है, तो देखते हैं कितनी 150 लिफ्ट मिलेगी, तो 2 घंटों का रास्ता है, तो शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो ये लिफ्ट मिली है काफ़ी देर के बाद, ये समथिंग 25 किलोमीटर की लिफ्ट मिली है यहाँ से, तो हम चलते हैं पोखरण की तरफ 25 किलोमीटर, वहाँ से पोखरण केवल 10 किलोमीटर रहेगा। ये स्कूल बस है, आप देख सकते हैं, हमने इससे 25 किलोमीटर की लिफ्ट लेकर हम आ चुके हैं, ये शायद इधर जाने वाले हैं, तो अभी हम चलते हैं यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, तो देखते हैं यहाँ पर लिफ्ट लेकर चलते हैं पोखरण की तरफ। इधर से बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है पूरा, तो फिलहाल दोस्तों इस वक्त हम हैं पोखरण में, हमारे पीछे देख रहे हो उधर है पोखरण सिटी। तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि उधर से लिफ्ट मिली, जहाँ से हम बस से उतरे, स्कूल बस से, वहाँ से लिफ्ट मिली, एक बंदा लेके आया गाड़ी, छोटी गाड़ी में लिफ्ट मिली थी, उसने कहा कि आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइए, तो हमने वीडियो नहीं बनाया, उसने उधर हाईवे पर ला के छोड़ दिया, और बाद में वापस सिटी के अंदर चला गया। तो अभी हम हाईवे पर हैं, तो यहाँ से जैसलमेर समथिंग 100 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे का रास्ता है, तो अभी हम लिफ्ट लेकर चलते हैं जैसलमेर की ओर। न्यू राजस्थानी होटल से कुछ खाना खा लिया है, तो अभी चलते हैं जैसलमेर की तरफ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिफ्ट मिलेगी तो देखते हैं। 106 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर जैसलमेर की तरफ। हमने बस ले ली है, तो सोचा था हिचहाइकिंग करके चलते हैं, लेकिन नाइट का समय हो गया, तो मैंने सोचा बस ही ले लेते हैं। यहाँ से 106 किलोमीटर है जैसलमेर, तो बस का प्राइस 120 रुपये का टिकट है, तो चलते हैं। ये बस है, काफ़ी कलरफुल बस दिखा रही है ये। तो फाइनली हम इस बस से जैसलमेर पहुंच चुके हैं, हमारे सामने है नीरज होटल, तो अभी चलते हैं। अपन काउ सर्फिंग किया इधर, रिक्वेस्ट भेजा था मैंने सुबह, तो उस काउ सर्फिंग ने उधर वो बोल रहे हैं कि मैं उधर नहीं मिलूंगा, हमारा रूम वहाँ पर होटल में बुक कर दिया है, तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा काउ सर्फिंग हॉस्ट का रूम। फ्रेंड्स अभी हम फाइनली जैसलमेर पहुंच चुके हैं, ये है हमारा प्यारा सा रूम, ये रूम मिला है काउ सर्फिंग के जरिए, तो हमने सुबह जोधपुर से ही काउ सर्फिंग पर रिक्वेस्ट भेज दी थी 5-6 होस्ट को, तो उसमें एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, तो हमारे काउ सर्फिंग के होस्ट राम स्वरूप जी अभी नहीं आए, तो उन्होंने बोला है कि हम कल मिलते हैं, तो कल वाले वीडियो में आपको उनसे मिलवाता हूँ, और काउ सर्फिंग चीज़ ये होती क्या चीज़ है मैं आपको ये कल वाले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।